अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब मेरे व्यूवर्स भाई सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से माह रमज़ान का अख्तिताम है, मतलब कि माह रमज़ान का आज आखिरी ही अशरा और आखिरी ही जुमातुल मुबारक है। इसके बाद माह रमज़ान के मेरे ख्याल में शायद अगर 30 रोज़े होते हैं तो मंडे ईद बनती है, अगर 29 होते हैं तो संडे ईद बनेगी। तो सब भाइयों ने ईद की शॉपिंग कर ली होगी मैं उम्मीद करता हूँ, और जिस जिस भाई ने ईद की शॉपिंग की है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने भी अपनी शॉपिंग ईद की कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि अब तो ईद के बाकी 2 ही 2 3 दिन ही रह गए हैं। बस संडे, आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, बस ये 2 दिन हैं। अगर 29 रोज़े होते हैं तो माशाल्लाह इंशाल्लाह 30 ही होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमावे कि वह रहे तो 2 गए हैं। जिस जिस भाई ने रखे हैं अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। तो मैंने कहा आज भाइयों को, अपने व्यूवर्स को ईद की शॉपिंग दिखाएं। हमारे बॉयज़ की तो वैसे ही सिंपल शॉपिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने ना अपना एक सूट लिया है, तो मुझे ना असल में सॉफ्ट कॉटन जो है ना वो भी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं वही लेता हूँ। और हमारे यहाँ जो है ना ज़्यादातर ये शलवार कमीज़ पहने जाते हैं कज़न्स वगैरह, तो मैं इसलिए ज़्यादातर वही शलवार कमीज़ ही ईद पर पसंद करता हूँ, तो वही मैंने लिए हैं। तो दो अभी जूते लिए हैं, तो मैंने एक तो भाई का एक मेरा है, फिर मैंने कहा देखूँगा जो मुझे पसंद आएगा वही मैं उठा लूँगा। अभी भाई ने पसंद नहीं किया तो देखते हैं माशाल्लाह से। आपको भी दिखाते हैं अपनी ईद की शॉपिंग। ये जो है ना ये आसमानी कलर सॉफ्ट कॉटन में मेरा ये सूट है, ब्लू कलर का शलवार कमीज़, ये मैंने ईद के लिए ली है। अभी प्रेस नहीं हुआ, बड़ा धुला तो हुआ है। अभी मैं आज कल परसों ले आया हूँ ये सूट, अपने सिलाई के लिए दे आया था। ये है, अभी मैं आपको अपने जूते दिखाता हूँ, आप बता दें मुझे कौन से पहनने चाहिए, कौन से पसंद करने चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा ये वाला, दूसरा ये वाला है। ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा सब भाई के मुझे कौन से पसंद करने चाहिए, ये या ये सब भाई मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये वाला, ये देख लें ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या ये वाला। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, ये कैमरा लीजिएगा, ये देख ये वाला अच्छा रहेगा। या दूसरा भी पहन के दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों का। अल्लाह आप लोगों को खुश रहेगा। और सब भाई ने मुझे बताना है कि किस किस ने अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर ली है और किस किस ने अभी तक नहीं की। ईद तो वैसे अख्ताम को है, आप मतलब को माह रमज़ान, अब ईद ही आने वाली है, 1-2 दिन के बाद ईद आ जाएगी। अल्लाह सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी आपकी फ़ैमिली को अल्लाह पाक खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लाग पर। अब ईद पे इंशाल्लाह एक व्लाग बनाएंगे ईद का। अस्सलामु अलैकुम।